सबसे पहले मैं बनाऊंगा चिकन लेग पीस मसाला। उसके लिए हमारे पास जो मसाले हैं उन सब का हम पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्याज का पेस्ट, टमाटरों का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट। आप थोड़ा सा घी पैन में गरम करें, उसमें प्याज का जो पेस्ट है उसको डालें और फ्राई करें थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको फ्राई करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे मसाले, नमक जायके के मुताबिक, थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और जो भी मसाले आपको अच्छे लगते हैं इसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा दही या दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन लेग पीस ऐड करेंगे, उनको थोड़ा सा भूनेंगे और हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे और हमारा चिकन लेग पीस तैयार हो जाएगा। मेरा नाम कासिम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैंने आज से 6-7 साल पहले कुकिंग स्टार्ट की। शुरू में मैं यहाँ आया तो काफ़ी एक महसूस होता था, घर की याद आती थी, खाना उनका याद आता था, उनके जो जो रेसिपीज़ हैं, जो मज़े मज़े के हम यू नो पकवान बनाते हैं अपने पाकिस्तान में, वो याद आते थे। आप जो दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा ये है मैंगो लस्सी। हमें 1 कप आम का चाहिए होगा, इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसके बाद हमें चाहिए होगा 1/2 कप दही का। दही ऐड करने के बाद हमें चाहिए होगा दूध, हमें 1 कप दूध का ऐड करना है। दूध ऐड करने के बबाद हमें चाहिए होगी चीनी, 2 चम्मच चीनी के ऐड करें इसमें और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमारी मैंगो लस्सी तैयार है। 1 ग्लास में थोड़ी सी बर्फ डालें और मैंगो लस्सी को इसमें डाल दें। हमारी आम की लस्सी तैयार है, इसको बनाएं और इंजॉय करें। जैसे जैसे लोगों ने मुझे फॉलो किया और मुझे अच्छा लगा, तो इसी तरह से मैंने कुकिंग को टिकटॉक पे मजीद कंटिन्यू रखा, जारी रखा और आज टिकटॉक पर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और अब मैं बनाऊंगा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान कपकेक्स। और इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदे का, 1/2 कप चीनी का, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 कप दूध का और थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी और जो भी आपको ऐड करना हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अब जो हमारे कप्स हैं इनको हम मिक्सचर के साथ फिल करेंगे। फिल करने के बाद इनको बेक करेंगे 350 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक और हमारे मज़ेदार कपकेक्स तैयार हो जाएंगे।